तमाशे के नाम फरमा दिया गया है, गांव की गोरी और चंदन का छैला। इधर ध्यान दे, इस तमाशे की पहली सीन आप लोग सामने कौन, इधर देखिए महाराज राजा राम नरेश देखिए अपनी हवेली में आते हैं और अपने डेढ़ से क्या बात करते हैं, आप लोग कहानी ध्यान दे। इधर महाराज राजा राम नरेश हाल और ये आ गए हमारे माननीय विनोद कुमार परदेशी ग्रामपाल केड़ा, ये 10 रुपए का इनाम है, पार्टी को शुभकामना धन्यवाद। और साथ साथ में हमारे चवन्नी टी स्टॉल समेसी चौराहा लखनऊ एवं नलपान ग्रह 11 रुपए का इनाम है, पार्टी को शुभकामना धन्यवाद। खुश रहो। बोलिए महाराज हमारे क्या सेवा। द्वारपाल ये बताओ, बोलिए हमारे इस आसाम शहर में हाँ हमारी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं महाराज, आपकी प्रजा चैनो मन से सब जय जयकार मना रहे हैं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए द्वारपाल। हाँ महाराज, हमारी इस राज्य में हाँ हमारी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। महाराज आपके होते हुए हमारे होते हुए अगर किसी प्रजा को कोई तकलीफ होगी तो सबसे पहले आपके नौकर को होगी। ठीक कहते हो द्वारपाल। हाँ महाराज, तुम जैसे दरबारी जिस राजा की राज में रहते हैं हाँ महाराज, उस राज में किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी? नहीं महाराज, कोई तकलीफ नहीं है। शेर बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं महाराज। तेरी बातें सुनकर आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी राज की प्रजा हर समय खुशहाल रहती है। हाँ महाराज। परपल बोलिए महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। द्वारपाल, और ये मेरे शासन काल में हाँ। ये मेरे शासन काल में और हर एक माला और ये हर तरफ द्वारपाल बोले महाराज, ये हर तरफ और चैनो अमनी है हर बसरी खुशहाल। और चैनो अमन और है हर बसरी खुशहाल। द्वारपाल
क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं महाराज, जितनी प्रजा है आज तक हमने किसी को दुखी होते नहीं देखा है। आप कोई सी मेरी आसाम नगरी, हाँ, मैं बरसती लक्ष्मी, ये तो सत्य है महाराज। और है जहां तक, हाँ, और ख्याल मेरा, हाँ, और ना कोई कंगाल है। पहल महाराज, और एक खासियत है हमारे, बोलिए, आसाम शहर की। आखिर क्या बात है महाराज? तो ये चोरी बटमारी दगा, हाँ, ये चोरी बटमारी दगा, हाँ, और बाजी फरेबे फंद का, ये बात सही है। और ये जिक्र, ये और जिक्र यह, और बिल्कुल नहीं आसाम में सफल। हमारी राज की प्रजा हमेशा खुशहाल रहती है। हाँ महाराज, और जिस राजा की राज की प्रजा खुशहाल रहती है उस राजा को खुशी भी होती है। ये बात सही है महाराज। तो अर्पल बोले महाराज, आज का दरबार हम यहीं से समाप्त करते हैं। हाँ, और हम इस समय बियाबान जंगल की ओर शिकार पे जा रही है, और दरबार का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अगर कोई फरियादी इस दरबार में आता है, हाँ, तो उसकी शिकायत नोट करना, और जब दरबार लगेगा, हाँ, तब उसकी शिकायत सुनी जाएगी। जो आदेश है महाराज। अरे चल पुरवैया, अरे आगे का वाला सा, अरे छोटा की कहा मारा की बाढ़ा की का दादा, ध्यान दे। इधर आप लोग सामने देखिए कौन, इधर देखिए राजमहल है, राजमहल में कौन, इधर देखिए महारानी कमला देखिए आती है, और देखिए अपने नौकर से क्या बात करती, क्या रे कहती हमें नहीं मालूम। आप लोग सामने इधर देखिए महारानी, नौटंकी हो गया बंद, अब हो लल्लू बाज पे क्या ला जो है तो देखा जाए। अरे हाथ में बांध है घड़ी या पैंट भूई सबका झलका, ये
टूटा डाला से अरे लई गयो पवन उड़ाए मुन्ना है उसका नाम अवनीत कुमार प्रिंस अवनीत कुमार एंड प्रिंस ये रामबक्स खेड़ा लखनऊ ये इस बिरहोर पर खुश होकर के अपने दादाजी को 11 रुपए का स्पेशल है पाड़ी वैसे लागला धन्यवाद और ये साथ साथ में हमारे हमारे जिगरी दोस्त ये हमारे नर व्यापारी ये 11 रुपए का स्पेशल मास्टर आपके लिए है पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद और ये हमारे मनीष भैया जोशी गांव के निवासी हैं उनकी तरफ से 10 रुपये हमारे कलम बंधा है पार्टी को शुक्रिया धन्यवाद कमल किशोर इसी गांव रामबक्स खेड़ा निवासी ये 5 रुपए इस फसल अपने गुरुजी के लिए भेज रहे पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद ससुर छोलो भय खासा सासु कन्ना बिनवावे अरे सारा दमार यला का सारा हुक्का धरवावे हेलो श्रवण कुमार मामा ये श्रवण कुमार मामा उनकी बहन क्राम पटवा खेड़ा की ओर से ये हमारी मौसी जी की ओर से 11 रुपए का स्पेशल हमारे बड़े भैया के लिए पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद और ये साथ साथ में हमारे बिजलाल बाबा उसकी माता जी की ओर से ये 11 रुपए का इनाम है पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद और आगे हमारे बड़े भैया हमारे रामफल भैया उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार हमारे कलबंद है बड़े भैया के चरणों का आशीर्वाद हमारे सर पर है शुक्रिया पहले पूरी खगारी बड़ा है जो ग्राम पाल खेड़ा निवासी हैं, उनकी तरफ से हमारे लिए और ये आप है पुरस्कार है कलमबंद शुक्रिया है और ये आप है हमारे दर्शन मामा ये दर्शन इसी गांव रामबक्स खेड़ा निवासी 11 रुपए कमेडियन के लिए स्पेशल हाथों हाथ पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद अरे पहले कपूरी खजरी बड़ा है न जुहाती और आगे विनोद परदेशी ग्राम पालीखेड़ा ये 10 रुपए का कलम मनी स्पेशल इनाम है भैया को लाख लाख धन्यवाद अरे जो वही के घर नारी रही लपटिया न परा रही मार बटौ ना अरे जाड़ू कटाय न बिना र जई यही कारण लावत जाड़ मगौ ना हमारे राम हर्ष ग्राम गढ़वा खेड़ा
समेसी चौराहा थाना नगरम मोहलालगंज डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। ये 11 रुपए इस फसल हमारे कमेडियन मास्टर के लिए। और भाई साहब आपसे गीत की फरमाइश कहते हैं भजन में कि रतिया कहाँ कमाए दिल जनिया जियारा बहुत सतायो ना। भाई साहब की चाय की दुकान मेले में है, कमेडियन मास्टर चाय आके पी लेना, लेकिन भजन सुना दो। धन्यवाद। अरे जालू कटे न बिना रजई यही कारण लावत जारे मगौना। हेलो हेलो हेलो। और ये आज हमारे संतोष कुमार भैया, ये संतोष ग्राम कलंदर खेड़ा की ओर से ये 11 रुपए हमारी पार्टी के लिए है। पार्टी को से लग लग धन्यवाद। और आगे गोसाई बाबा, गोसाई बाबा ग्राम आप कन्नपुर निगोहा बाजार की तरफ से ये 21 रुपए का कलमबंदी फसल इनाम है। दोस्तों आप लोग सामने इधर देखिए, महारानी कमला देखिए आप लोग सामने आती है, उधर से देखिए एक नौकरानी देखिए दरवाजे की ठोकरे खाते हुए महारानी के दरबार पहुंचती है अपनी नौकरी के लिए। देखिए महारानी उस नौकरानी से क्या बात करती है, आप लोग कहानी ध्यान दें। इधर महारानी कमला। हेलो 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 म्यूजिक स्टाफ, ये हमारे विनोद भाई पालखड़ा की तरफ से कॉमेडियन मास्टर को हाथों हाथ कलम बंद देते हैं। धन्यवाद। महारानी को मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत मुसीबत की मारी हूँ। मुसीबत की मारी हो? हाँ। तो यहाँ क्या करे? मैं महारानी साहब से मिलना चाहती हूँ। महारानी से मिली हो? हाँ। और देखो ऐसा है तुम बिरने हुआ है, नहा तू ज्यादा है नहीं, और यहाँ तुम महारानी के छुए होना नहीं, समझ लिया फिर? ठीक है भैया, डंडा रखा है। तो गुड़िया ज्ञान की ए गुरिया ज्ञान की खिला दे गुरुदेव दरादी मेरे नसी नसी। I'm not afraid.
दरबारी, ये क्या इस विचारे ने हमारे पांच हुए और तुमने लात मार दी? जब बेड़ी नहीं आए छूते हर पता नहीं कहा रहा चक, उल्ट सीधी बातें करते हो, चुप रहो तुम। क्या तुम क्या कहे मेरे छुई से? मुझको पूछने दो, तुम चुप रहो, उल्टी सीधी बातें करते हो। बात पूछो। सुनो बहन, मांगती भी मेरे पास आई हो? हाँ महाराज जी। क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? महाराज जी, हाँ, मुझे नौकरी चाहिए, मैं चार पाँच दिन से खाना नहीं खाई हूँ। अच्छा, चार पाँच दिन की तुम भूखी हो? हाँ महाराज। और तुम्हें नौकरी चाहिए? हाँ महाराज जी, कोई काम हो बता दो। देखो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नौकरी जरूर दूंगी, खुश रहो खुश रहो। दरबारी बोले महाराज जी, देखो ये बेचारी बहुत परेशान है, बहुत गरीब है, मैं इसको नौकरी दे देती हूँ। नौकरी? हाँ दे दियो। हाँ सही बात महाराज, आवाज से यही रहेगी, लेकिन इससे पूछो कि झाड़ू पोछा सब काम घर का कर लेती है या नहीं, पूछो। तो हिका कुछ हुआ आवाज जात की नहीं? मैं सब काम कर लेती हूँ। सब काम कर लिए? हाँ। लड़का बना लिए? मेरे आदमी नहीं है। आदमी नहीं ना, अभी घर में रहे तो आदमी हम ही समझो तुम। हाल 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 हाल। और ये आगे हमारे विनोद कुमार कैटर्स, विनोद कुमार कैटर्स, ये ग्राम पालखेड़ा पोस्ट पतौना डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, ये 11 रुपए हमारी कंपनी के लिए है, पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद। ऐसा है, झाड़ू वाड़ू लगा ले तू? मैं लगा लेती हूँ। पोछा वोछा लगा ले? बढ़िया, सब कुछ कर लेते। कपड़ा पड़ा छाट ले हो? कपड़ा भी धो लूंगी, घर का जितना काम उतना सब कर लूंगी। घर का सब काम कर लिया? हाँ मैं सब कर लूंगी। तब तो फिर ठीक है। ठीक है ये, हाँ। घर का सब काम कर लेगी तो अच्छी बात है। हाँ। जब सब काम कर ले तो बढ़िया है। देखो ये तीन चार पाँच दिन की भूखी है, हाँ। सबसे पहले तुम इसको खाना खिलाओ। हाँ तो कई दिन की भूखी हो? मैं चार पाँच दिन से भूखी हूँ। तो हम का खा लियो? क्या मैं आदमी खाती हूँ? इंसान खाती है क्या, तुमको खा ले? अरे चार पाँच दिन की भूखी हो? अरे तो वही देखो बैठ, उनका खा लियो, और ना उनका खाओ तो उनका खा लियो, और ना उन्होंने ना खाओ तो इनका खा लियो। दरबारी क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं हमारे सामने? अब भाई काम कर जाते हैं तुम्हें? हमारा खाना रखा जब काल हमका दिहरा, हम नहीं खाएं। खा जाओ खिला दो, चलो तुम का मुंह से खवाई चले आओ। जाइए, बहुत अच्छी नौकरानी है। निखिल महाराज भी अपने दरबार से हमारे महल अभी तक नहीं आए। चलो जब तक नहीं आते उनका इंतजार करती हूँ। कि आये न बालम, ये आये न बालम, वादा करी के आये न बालम। और ये खास करके हमारी महान हस्ती,
हमारी परम पूज्य मान्य हमारे श्री पिताजी मान्य श्री रामचंद्र रावत इसी गांव रामबक्स खेड़ा निवासी ये ग्राम रामबक्स खेड़ा पोस्ट समेसी थाना नगराम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ और इस कंपनी के मालिक भी हैं और इस मेले के सदस्य भी हैं। ये 11 रुपए आशीर्वाद के तौर से प्रसाद के लिए हमारे मैनेजर को देते हैं और उनका कहना ये भी है कि जब तक रहेगी जिंदगी ये चांद उजाला करेगा और रामचंद्र जब तक रहेगा ये बड़े बाबा का मेला लगता रहेगा। और मेरे गांव के वासियों नगर निवासियों अगर इसी तरह आपका बराबर सहयोग मिलता रहेगा तो ये जिंदा है ये नाम से और जिंदा रहेगा काम से। ये आपके सहयोग से मेला बना रहेगा और कुछ लोग हमारे विरोधी भी हैं उनसे यह भी कहना है कि जो भी व्यक्ति हमसे अच्छी और हमसे बढ़िया अगली पंचवर्षीय में नौटंकी करवाना चाहता है तो मेला लगवाने के लिए अपनी पैरों की जूती मजबूती कर ले अगली साल मेला वो लगवाएगा। बटनोसा की लाए या राय बरेली की लाए या बाराबंकी पंपापुर की नौटंकी लाए इससे हमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा और चंदे में जो भी सहयोग आएगा हम देने से पीछे हटेंगे नहीं। ये रामचंद्र श्री रामचंद्र का वादा है। धन्यवाद। ये रामचंद्र की नौटंकी है ये रामचंद्र का बेटा है लेकिन मैं भी कहता हूँ 20 कोस के